जितना मैं बराबर नेकी करूंगा उसका भी मुझे अजर मिलेगा, मैं जरा बराबर बुराई करूंगा उसका भी अंजाम मैं आपको वहां पे पाऊंगा। ये बात अगर मेरे दिल के अंदर बैठ जाए तो मेरी जिंदगी तब्दील हो जाए, मेरे रवैये तब्दील हो जाए, मेरा मुआशरा तब्दील हो जाए। आज इंसान की जितनी भी परेशानियां हैं, इंसानी मुआशरों की जितनी भी तकालीफ है, इंसानों के दरमियान वहां जितना भी फसाद है, इस जमीन पर जितना भी फसाद है, उसका बुनियादी सबब यह है कि हम अपने अंजाम को भूल बैठे। हमें जितना एक थानेदार की ताकत का अंदाजा है, हमें अल्लाह की ताकत का उतना भी एहसास नहीं। हमें जेल जाने का जितना खौफ है, हवालात के अंदर और जेल के अंदर कैद कर दिए जाने का जिस कदर खौफ है, अल्लाह उतना भी खौफ नहीं है। अगर अल्लाह की बनाई हुई दोजख का खौफ हमारे अंदर हो, आखिरत के दिन के हिसाब किताब का हमें एहसास हो और ये अकीदा हमारे दिलों के अंदर रासिक हो चुका हो, तो हमारे रवैये ऐसे ना हो जैसे आज। जिन लोगों के अंदर ये खौफ था, जो लोग अकीदा आखिरत को पहचान चुके थे, जान चुके थे, मान चुके थे, उनका रवैया बिल्कुल और। आज देखिए ना, हमें को अल्लाह की बात करे, हमें को खुदा का खौफ याद दिलाए, हमें कोई कहे कि आखिरत आखिरत का खौफ तुम्हारे अंदर नहीं है, वो एहसास चले तो हम उससे नाराज होना शुरू कर। हमें को कहे ना यार अल्लाह तो डर, अल्लाह का खौफ।